बोलने वाला जो बोलता है उसको ऊपर छोड़ दीजिए, जो आपके ऊपर बोलता है उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, हाथी जब चलता है, हाथी कितना मस्त में चलता है, वो ना उसको फिकर है आगे का, ना उसको फिकर है पीछे का। तो हाथी चलता है और उसका पीछे कुत्ता भोंकते रहता है। तो जो भी आपके ऊपर बोल रहा है, जो भी आपके ऊपर कुछ ताना दे रहा है, आप कुछ बोल रहा है, वो आगे नहीं बोल पाएगा, वो पीछे कुत्ते जैसे रहता है ऐसा बोलेगा। तो कुत्ते क्यों उनको भोंकते हैं हाथी के पीछे, उसका एक रीजन बताता हूँ। बहुत मज़ेदार बात है दोस्तों, आप ये सुनिए तो आपको कैसा लगा आप मेरे को बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये जो कुत्ते भोंकते हैं, उनको कोई एक जाके पूछा कुत्ते को कि आप लोग भोंकते हो क्यों, तो कुत्ता का जो आंसर था, जब जवाब था, आप सुनने के बाद आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि कुत्ते किसके लिए भोंकते हैं। कुत्ते का ये आंसर था कि मेरे हमको हाथी से कुछ परवाह नहीं, हाथी जा रहा है, मगर जितने लोग उसका सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं उनसे उनको हमारा मतलब है। हमारा ये है कि इतने लोग क्यों उसके ऊपर हाथ जोड़ के खड़ा है, मीन्स इसको इतना लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए कुत्ते भोंकते रहते हैं। तो दोस्तों दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको अच्छा बोल के आपको प्रशंसा करेंगे और आप आगे बढ़ रहे हैं बोल के आपको सपोर्ट करेंगे, मगर ऐसा बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वो देख के वो उनका अंदर में सहन करने के लिए जो शक्ति है वो नहीं रहता है। तो इसके लिए वो लोग आपके ऊपर जलते हैं और जल के कुत्ते जैसा भोंकते रहते हैं। और आप हाथी को देखे होंगे दोस्तों, जब हाथी चलता है तो उस टाइम में जितने लोग उसके सामने खड़ा होते हैं, नमस्कार करके खड़ा होते हैं, प्रणाम करते हैं, और कुत्ता उसका पीछे भोंकते रहता है, मगर उसको ना परवाह है कितना लोग उसके सामने उसको नमन करते हैं, कितना लोग कितना कुत्ता उसके पीछे भोंकते हैं, ना वो आगे देखता है ना वो पीछे देखता है, वो अपना चाल में, अपना मस्त चाल में चलते रहता है। तो दोस्तों मैं आपको यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका ज़िंदगी में कितना भी लोग आपको बोलने दीजिए, कितने भी लोग आपको दुनिया में कुछ कहने दीजिए, मगर आपका रास्ता को आप चुनना है और आप रास्ते के जाके आप आगे बढ़ जाना है, और जो लोग बोलते हैं वो पीछे रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसे लग रहा है आप ज़रूर मेरे को बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा तरफ से यही है कि आप लोग सभी लोग खुश में रहिए, खुशी बांटते रहिए, और मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट।